हाय, वेलकम टू स्वाद अनुसार। आज हम बनाने वाले हैं राइस की एक डिफरेंट प्रेपरेशन और वो है मीठे चावल। सबसे पहले हम लेंगे 2 कप पानी। पानी को हम थोड़ा उबलने देंगे। पानी अच्छे से बॉईल हो गया, इसमें डालेंगे थोड़ी सी दालचीनी, कुटी हुई बड़ी इलायची, 1 चम्मच घी। अब इसमें जाएंगे चावल जिन्हें मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रखा था। अब हम इसे अच्छे से ढक देंगे, पर हमने चावल पूरे नहीं पकाने, इसे थोड़े कच्चे रखने हैं ताकि वो शक्कर की चाशनी में पक जाए। आप देख सकते हो कि हमारे चावल पूरी तरह नहीं पके हैं, थोड़े कच्चे हैं। अब हम डालेंगे 1/2 कप चीनी। चीनी आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। 1 कप चावल के लिए 1/2 कप चीनी बहुत है। अब इसमें मैं डालूंगी केसर जो मैंने दूध में भिगो के रखा हुआ था। अब हम इसे ढक के दम पे रख देंगे 5-7 मिनट ताकि हमारी चीनी अच्छे से घुल के चावलों के साथ मिक्स हो जाए। अब हम अपना ढक्कन उतारते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे चावल कितने अच्छे खिले खिले बने हैं और एकदम फ्लफ अप हो गए हैं। इसमें डालेंगे हम बादाम, इसको एक पैन में सिर्फ ड्राई रोस्ट किया हुआ है। ये रहा पिस्ता, पतला पतला काट के इनको भी ड्राई रोस्ट कर लिया है। ये रहे काजू जिसे मैंने 1 चम्मच घी में फ्राई कर लिया है। ये रही हरी इलायची जिसे मैं बारीक कूट के डाल रही हूँ। ऊपर से थोड़ा सा घी हम ट्रिकल कर देंगे, थोड़ा सा हम केसर भी डाल देंगे ऊपर से, और अब हम इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। जब ड्राई फ्रूट की बात आती है, आपका जो मन करे आप डाल सकते हो। आप देख सकते हो कि ये चावल बिल्कुल चिपचिपे नहीं है, एकदम अलग अलग हैं। अब हम इसे सर्व करते हैं। ये रहे हमारे गर्मा गर्म मीठे चावल एकदम तैयार। इसे कोई भी त्योहार पे बनाइए या कोई भी खुशी के प्रसंग पे बनाइए और हमें लिख भेजिए कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। ऐसी स्वादिष्ट रेसिपीज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए स्वाद अनुसार।